सो ही गाइस वेलकम बैक। तो गाइस सर आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टॉप 5 गेमिंग फोन्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि यार आप लोगों को अंडर 20,000 प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के ऊपर मैंने लिटरली गाइस एक हफ्ते से ज्यादा रिसर्च किया है। वैसे तो गाइस मैं वीडियो को दो ही दिन में बना सकता था, लेकिन गाइस यहां पे हम लोग गेमिंग फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों को फोन के अंदर डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो काफी हाई लेवल की चाहिए होगी। यहां पर आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर अभी काफी सारे फोन्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर भाई स्पेक्स तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस के बारे में बात आती है इन फोन्स के अंदर आप लोगों को इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। तो गाइस यहां पे 20,000 प्राइस रेंज के नीचे जो भी अच्छे फोन्स आते हैं इनमें से यार काफी सारे फोन्स को मैंने खुद ने ट्राई किए हैं। ऐसा नहीं कि गाइस मैंने सारे फोन्स को खरीदा था, कुछ फोन्स को मैंने अपने दोस्तों से लिए एंड ऐसे ही करके गाइस मैंने काफी सारे फोन्स को ट्राई आउट किया। एंड गाइस फाइनली आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो टॉप 5 फोन्स के बारे में बताने वाला हूं इन फोन्स के अंदर गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो गाइस एक हफ्ते से हमने जो भी रिसर्च किया है सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। डेफिनेटली गाइस मैं आप लोगों को सारे फोन्स के स्पेसिफिकेशन तो बताने ही वाला हूं, लेकिन गाइस ये सारी डिटेल्स तो आप लोगों को वेबसाइट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो यार अपना मेन फोकस रहेगा परफॉर्मेंस के ऊपर जो कि यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस अभी बात करते हैं हमारे लिस्ट के सबसे पहले फोन के बारे में। तो यहां पे अपना पहला फोन है Realme 8 Pro। अभी गाइस ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिवाइस है। सबसे पहले तो गाइस अगर हम लोग 8 Pro के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर आप लोगों को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 720G। अभी यार एक गेमिंग प्रोसेसर है एंड डेफिनेटली गेमिंग प्रोसेसर है तो इसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। यहाँ पे गाइस हमारे जितने भी पॉपुलर गेम्स है लाइक पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, सारे गेम्स को आप लोग काफी ज्यादा एक अच्छे ग्राफिक्स के साथ खेल पाओगे। एंड सबसे बड़ी बात यार आप लोगों को गेम्स के अंदर कोई भी लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि गाइस हमें ज्यादातर डिवाइस के अंदर जो अपना लैग का इशू मिलता है इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को थोड़ा भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली गाइस अगर आप लोग गेमिंग फोन को ढूंढ रहे हो तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अभी यार इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक तो 6GB रैम एंड एक 8GB। अभी यार यहाँ पे मैं आप लोगों को 8GB रैम को रेकमेंड करूंगा क्योंकि गाइस हम लोग 20,000 के फोन को परचेस करने वाले हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ साल तो हम इसी फोन को यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे जो कुछ गेम्स अवेलेबल हैं एंड कुछ जो नए गेम्स आने वाले हैं इनमें यार आप लोगों को थोड़ा अच्छा स्पेक चाहिए होगा, तो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को 8GB रैम को रेकमेंड करूंगा ताकि गाइस आप लोग आने वाले काफी साल तक इसी फोन को यूज कर सको। तो डेफिनेटली गाइस इसको आप लोग परचेस कर सकते हो। इसका जो बेस्ट परचेस लिंक है वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बढ़ते हैं गाइस हमारे सेकंड डिवाइस की तरफ। तो गाइस ये हमारा सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी M42। अभी यार आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग जो भी पहले डिवाइस को बनाता था एंड अभी भी जो भी डिवाइस को बनाता है सारे काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन गाइस इनमें एक प्रॉब्लम होता था जो कि प्रोसेसर को लेके। यहाँ पे गाइस सैमसंग अपना प्रोसेसर यूज करता था जो कि थोड़ा सा लैगी होता था, तो इसीलिए गाइस सैमसंग के डिवाइस के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन गाइस यहाँ पे गैलेक्सी M42 के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलने वाला है, दैट इज स्नैपड्रैगन 750G। एंड इसी के साथ गाइस सैमसंग वाले ने जो अपना प्रोसेसर का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ही सॉल्व कर दिया है। अभी गाइस इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 750G जैसा अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है एंड इसी के साथ सैमसंग के सारे हार्डवेयर है। एंड इस फोन के अंदर आप लोगों को मिल जाता है काफी तगड़ा 5000 mAh की बैटरी। यहाँ पे यार सैमसंग की डिवाइस बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी होती है एंड 5000 mAh की बैटरी के साथ ये लिटरली एक बीस्ट डिवाइस बन जाता है। तो गाइस अगर हम लोग सारी चीजों को कंपेयर करके देखें तो यार 20,000 के प्राइस रेंज के नीचे ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा एक एपिक डिवाइस होने वाला है। इसका भी जो बेस्ट परचेस लिंक है वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो मेक श्योर चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़ते हैं गाइस हमारे थर्ड डिवाइस की तरफ जो कि है पोको की तरफ से आने वाला F1। अभी गाइस डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि F1 के बाद भी यार पोको के काफी सारे और भी मॉडल्स आ चुके हैं जिनके अंदर हमें और ज्यादा अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पोको F1 को क्यों सिलेक्ट किया। अभी गाइस इसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो परफॉर्मेंस है। अभी गाइस यार पोको के जो भी नए मॉडल्स हैं मैंने उनको भी ट्राई किया है एंड F1 को भी ट्राई किया है। मेरा तो एक ही ओपिनियन है, पोको का जो F1 था वो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइस है। अगेन से गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को जो भी कैमरा सेटअप मिलता है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन गाइस अगर हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन इतना ज्यादा अच्छा मिल जाता है कि आप लोगों को बाकी सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए एक प्रॉपर डिवाइस को ढूंढ रहे हो तो पोको F1 स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ आपके लिए बेस्ट डिवाइस होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ डिवाइस की तरफ, दैट इज रियलमी की तरफ से
आने वाला Realme X7। अभी गाइस यहां पे आप लोगों को पता होगा कि Realme अपने ज्यादातर डिवाइस के अंदर MediaTek का प्रोसेसर यूज करते हैं, मतलब क्या Realme 8 सीरीज यानी कि जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की उसको छोड़ के ज्यादातर Realme के डिवाइस के अंदर आप लोगों को MediaTek का प्रोसेसर मिल जाता है। सेम तरह से गाइस Realme X7 के अंदर भी हमें MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 800U प्रोसेसर मिल जाता है। अभी यार गेमिंग के मामले में ये भी काफी ज्यादा एक अच्छा प्रोसेसर है, इसके अंदर भी गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। लेकिन गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि MediaTek के प्रोसेसर होने की वजह से इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को थोड़ा हीट का इशू देखने को मिल जाएगा। अभी यार इतना ज्यादा कोई इशू नहीं होता है, इसको यार मैंने खुद ने भी यूज किया था एंड जो हीट का इशू होता है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है। इसकी मदद से भी यार आप लोग काफी ज्यादा इजिली बहुत लंबे गेमिंग सेशंस कर सकते हो, तो गाइस ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है एंड डेफिनेटली गेमिंग के लिए ये भी काफी ज्यादा एक अच्छा डिवाइस है। बढ़ते हैं गाइस हमारे 5th डिवाइस की तरफ, दैट इज Redmi की तरफ से आने वाला Note 9 Pro Max। अभी गाइस ये हमारा लास्ट डिवाइस नहीं है, इसके बाद भी आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले इस डिवाइस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है Snapdragon की तरफ से आने वाला 720G प्रोसेसर। जी हाँ गाइस ये वही प्रोसेसर है जो कि आप लोगों को Realme के 8 Pro के अंदर मिलता था, काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड गेमिंग प्रोसेसर है। अभी यार यहाँ पे बताने को तो मैं Redmi की तरफ से आने वाला Note 10 Pro Max भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे Note 10 Pro Max में आप लोगों को मिलता है 732G प्रोसेसर जो कि डेफिनेटली एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन गाइस गेमिंग के लिए इतना ज्यादा कुछ ऑप्टिमाइज नहीं है। तो गाइस अगर आप लोग गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हो तो आप लोगों को Note 10 Pro Max की जगह Note 9 Pro Max लेना चाहिए, ये आप लोगों को गेमिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। इसी के साथ गाइस ये Redmi का डिवाइस है तो डेफिनेटली गाइस Note 9 Pro Max में आप लोगों को काफी ज्यादा एक अच्छा कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा, तो गेमिंग के साथ ही साथ आप लोग कैमरा को भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। तो गाइस ये थे अपने टॉप 5 गेमिंग फोन्स, सारे डिवाइस अपने अपने मामलों में बेस्ट है एंड इन सारे डिवाइस के बेस्ट परचेस लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जो भी इनके बेस्ट वेरिएंट है सारी चीजों को देख के मैंने लिंक को सिलेक्ट किया है, तो यार सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चाहे तो वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को इन सारे डिवाइस के अंदर भी कंक्लूशन बताने वाला हूँ कि इनमें से यार आप लोगों को कौन से डिवाइस को परचेस करना चाहिए जिसमें यार आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इससे पहले यार बात करते हैं हमारे सरप्राइज यानी कि एक बोनस डिवाइस के बारे में। अभी यार एक हफ्ते से जो हमने रिसर्च किया था उसमें यार मैंने इस डिवाइस को भी देखा था एंड मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के आखिर में इस डिवाइस को भी ऐड कर दिया जाए। तो गाइस इसका जो प्राइस है ये थोड़ा हाई है तो इसीलिए मैंने इसको एज अ बोनस ऐड किया है। तो गाइस ये डिवाइस है अपना IQ की तरफ से आने वाला IQ 7। इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को Snapdragon की तरफ से आने वाला 888 प्रोसेसर मिल जाता है। अभी गाइस इस डिवाइस का जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि गाइस इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को एक सेपरेट GPU देखने को मिल जाएगा, यानी कि गाइस इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को Snapdragon 888 के साथ एक अलग से ग्राफिकल प्रोसेसर भी मिल जाएगा। तो गाइस ये दुनिया का एकलौता डिवाइस है जिसके अंदर आप लोगों को अलग से GPU देखने को मिल जाता है। अभी यार इस GPU का काम होगा आपका जो गेम का ग्राफिक्स है उसको काफी हद तक इंक्रीज कर देना। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो अगर आपको गेम के अंदर HD ग्राफिक्स मिलता है तो ये GPU आपके ग्राफिक्स को इंक्रीज करके HDR में कन्वर्ट कर देगा, इसी के साथ FPS को भी बूस्ट कर देता है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों की वजह से मैंने इस डिवाइस को भी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। फाइनली गाइस अभी बात करते हैं अपने कंक्लूजन के बारे में कि यार इनमें से भी यार आपको कौन से डिवाइस को परचेस करना चाहिए जिसमें यार आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। यहाँ पे गाइस हम लोग कंक्लूजन में IQ 7 को ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे हम लोग अपने टॉप 5 डिवाइस के बारे में बात करेंगे। गाइस ये टॉप 5 डिवाइस अपने अपने फील्ड में बेस्ट है एंड इनमें से यार एक डिवाइस को चूज करना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। एक चीज तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म बता सकता हूँ, आज के टाइम में आप लोगों को 20,000 के प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस के मामले में इनसे अच्छे फोन्स कहीं नहीं मिलेंगे। तो कंक्लूजन में मैंने दो कैटेगरी को सिलेक्ट किया है जिससे कि यार मैं आप लोगों के लिए बेस्ट फोन को रेकमेंड कर सकूं। यहाँ पे जो अपना पहला कैटेगरी है इसमें यार हम लोग फुल्ली गेमिंग फोन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे गाइस आप लोगों को फोन के अंदर कैमरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन फोन आपका गेमिंग एंड नॉर्मल यूजेस के लिए काफी अच्छा होगा। तो गाइस अगर आप लोग ऐसे फोन को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा आप लोग Poco F1 या फिर Samsung की तरफ से आने वाला Galaxy M42 की तरफ जा सकती हो, ये आपके लिए बेस्ट होंगे। अभी गाइस बात करते हैं हमारे सेकंड कैटेगरी के बारे में जहाँ पे यार आप लोग को गेमिंग के साथ ही साथ कैमरा परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो गाइस अगर आप लोग ऐसे कैटेगरी के डिवाइस को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा होगा Realme X7 एंड Redmi की तरफ से आने वाला Note 9 Pro Max। तो गाइस ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन। अभी गाइस आप लोग बहुत ही ज्यादा इजीली अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छे फोन को परचेस कर सकते हो। तो जो भी गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि गाइस आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली गाइस काफी दिनों की मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, मतलब जो भी आपके दोस्त नए डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं उन सभी के साथ यार वीडियो को शेयर कर दो ताकि यार सभी को पता चल जाए
जाए कि अभी कौन से डिवाइस बेस्ट है। इसी के साथ गाइस, अगर आप लोग अभी हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार गुड बाय।